गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। क्या मालूम है सौर परिवार में 8 ग्रह हैं? परिवार में कितने ग्रह हैं? सौर परिवार के ग्रहों के नाम बताऊं? सौर परिवार में 8 ही ग्रह हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन जो अंतिम ग्रह है प्लूटो, अब वह ग्रह की परिभाषा में नहीं रहा, क्योंकि उससे बड़े चंद्रमा का आकार जो कि बृहस्पति के हैं वो हैं, इसलिए उसको चंद्रमा की परिभाषा में सम्मिलित करते हुए हटा दिया गया है। इसलिए सौर परिवार में इस समय कुल 8 ही ग्रह हैं। हाँ हाँ बताओ मखनचू, जल्दी बचाओ। जो सौर परिवार के ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बहुत सही कहा मखनचू, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं और उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण हैं, जो कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि इसमें किसकी सतह ठोस और किसकी सतह गैस वाली है? हाँ सर जी, हमें मालूम है इसमें 4 ग्रह ठोस सतह वाले और 4 ग्रह गैसीय सतह वाले हैं। ठोस सतह वाले ग्रह सर जी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। और गैसीय सतह वाले ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तुम लोग जान गए होगे कि सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं और उन ग्रहों के नाम सूरज से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। और इसमें ठोस सतह वाले, ठोस सतह का मतलब जिसके ऊपर हम खड़े हो सकते हैं, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और गैसी सतह वाले बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। इतनी बातें तुम लोग याद रखना और कल याद करके आना और हमको सुनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।